चैनल ऑफ वडोदरा। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा खाते तारीख 5मी ना रोज शिक्षक दिन की उजवणी करवामां आवशे। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा खाते आगामी 5 सप्टेम्बर ना रोज भारत ना पूर्व राष्ट्रपति अने केळवणीकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिन की उजवणी थनार छे। भारतनु भावि तेना वर्गखंडों में घड़ाई रह्युं छे, त्यारे देशना भावि नागरिकोना घड़तर में शिक्षक ए पायानी भूमिका निभावी रह्या छे। शिक्षक दिन ए आवाज समाज घड़तर अने देश घड़तर में योगदान आपनार शिक्षकों ने याद करवानो दिवस छे। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा द्वारा 5 सप्टेम्बर रोज पंडित दीनदयाल हॉल आचवा खाते कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां मुख्य मेहमान तरीके मंत्री राजेन्द्रभाई त्रिवेदी, मुख्य वक्ता तरीके महापात्र गुजरात साहित्य अकादमी जयेन्द्रसिंह जाधव के जो विशेष वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदी मार्गदर्शन हेठ तैयार थे नवीन राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 पर शिक्षकों ने संबोधित करवाना छे। आ साथ मंत्री मनीषाबेन वकील, मेयर केवरभाई रोकड़िया, सांसद रंजनबेन भट्ट, धारासभ्य, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और शिक्षण समिति सभ्यों तेमज अन्य महानुभाव उपस्थित रहना छे। शिक्षक दिन दिवसे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा संचालित शालाओं और शिक्षकों में श्रेष्ठ शाला, श्रेष्ठ शिक्षक तेमज बालवाड़ी विभाग में श्रेष्ठ बालवाड़ी और श्रेष्ठ बालवाड़ी शिक्षक ने सम्मानित करवामां आवे छे। चालू वर्षे एक नवीन पहल शुरू करवामां आवी छे, जेमां समिति कक्षा और झोन कक्षा में अलग अलग स्तरे शाला बालवाड़ी आचार्य और शिक्षकों ने सम्मानित करवामां आवनार छे। पत्रकार वार्ता में उपस्थित सर्वे सन्माननीय पत्रकारों, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति ना सर्वे परिवार तरफ थी अमे स्वागत करीए छे। जेवू के शिक्षक दिन विषे बात करी तो जे आपड़ा शिक्षकों छे एमनू सरकारशी द्वारा योग्य समय सन्मान थतु होय छे, घणीवार सरकारशी द्वारा पण नियत कार्यक्रम मुजब पण सन्मान थतु होय छे, परंतु नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा के जे हर हमेश राज्यभर में एक नवो चीलो चातरवा माटे जाणीतु रह्यु छे, ए प्रमाणे एक व्यवस्थित माळखाकीय एनु एसेसमेंट करी अने तमाम शिक्षकों साथे एमनो कार्य प्रणाली अने एमनी हाजरी, एमना द्वारा जे शाळा में काम करवामां आवे छे शाळानु मूल्यांकन थी लई अने एनी साथेनो एक वार्तालाप करी अने एमना जे तार्किक एमनुं नॉलेज छे एनुं एसेसमेंट करी अने त्यार बाद आखू एक तारण काढवामां आव्युं छे अने ए प्रकारे एना मूल्यांकनना आधारे ए शिक्षकोनुं सन्मान थवामां आवनार छे। तमाम शिक्षकोए खूब ज सारी मात्रा में पोतानुं नामांकन आमां नोंधाव्युं छे अने सारा एंट्रीस पण अमारी पासे आव्या हता। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा एनी एक एक्सपर्ट्स कमिटी बनावामां आवी अने ए कमिटीनी अंदर जे राष्ट्रपति द्वारा पण पुरस्कृत जे शिक्षक होय, शिक्षणविद होय, नगर प्राथमिक शिक्षण समितिना जे उप समितिना सभ्य होय अने शासनाधिकारी अने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव विंग द्वारा पण आनु एक प्रॉपर प्रक्रिया पूर्ण करी अने हवे तारीख 5 सप्टेम्बर रोज पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल आजवानगर स्थित आ शिक्षक दिन कार्यक्रम नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा द्वारा आयोजित करवामां आवेलो छे। आ कार्यक्रम में मुख्य मेहमान तरीके गुजरात राज्यना केबिनेट मंत्री श्री राजेन्द्रभाई त्रिवेदी उपस्थित रहेवाना छे, तो मुख्य वक्ता तरीके जेमने राष्ट्रीय शिक्षण नीति में जे नवीन शिक्षण नीति 2020 में जाहिर करवामां आवेली छे एमां जेमने योगदान आपेलू छे એવા ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના મહામાત્ર શ્રી જયેન્દ્રસિંહ જાધવજી ઉપસ્થિત રહેવાના છે। તો આ પ્રસંગે માન્ય મંત્રી શ્રી મનીષાબેન વકીલ, માન્ય મેયર શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયા, માન્ય સાંસદ શ્રી રંજનબેન ભટ્ટ, ધારાસભ્યશ્રીઓ શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ, શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ સુખડિયા, શ્રીમતી સીમાબેન મોહિલે, શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા, ડેપ્યુટી મેયર શ્રીમતી રંદાબેન જોશી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન ડૉક્ટર હિતેન્દ્ર પટેલ, મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રીમતી શાલિનીબેન અગ્રવાલ આ પ્રસંગે ખાસ ઉપસ્થિત રહેવાના છે। તેની સાથે અમારા સમિતિના તમામ શિક્ષકગણ પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે।
अमारा तमाम सभ्यश्रीओ उपस्थित रहेवाना छे अने खास जे अमारा आमंत्रित मेहमानो छे आ प्रसंगे उपस्थित रहेवाना छे। आ प्रसंगे जे अमारा 29 जेटला शिक्षकों वयनिवृत्त अथवा शैक्षिक निवृत्ति लीधी छे एवा शिक्षकोनुं सन्मान थवानुं छे, तेनी साथे समिति द्वारा अलग अलग केटेगरी में समिति कक्षाए श्रेष्ठ शिक्षक एटले धोरण 1-5 धोरण 6-8 बालवाड़ीना श्रेष्ठ शिक्षक जाहिर थवाना छे, तो एनी साथे श्रेष्ठ आचार्य अने श्रेष्ठ शाळा अने श्रेष्ठ बालवाड़ी पण आमां जाहिर थवानी छे। तो जोन कक्षाए पण आ वखते अमे इनामो राखेला छे, जोन कक्षाए श्रेष्ठ शिक्षक अने श्रेष्ठ शाळानुं इनाम आ वखते जाहिर करवामां आवनार छे। अने आ तमाम प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक रीते नियत मापदंड मुजब एमने गुणांकन करी अने त्यारबाद एमना एक तटस्थ कमिटी द्वारा इंटरव्यू करी अने आनू संपूर्ण पारदर्शक रीते आनी चयन प्रक्रिया थयेल छे। आ चयन प्रक्रिया अंतर्गत जे लोका आमां उत्तीर्ण थया छे एवा तमाम अलग अलग केटेगरीना इनामो आ शिक्षकों आचार्य अने शाळाओने मळवाना छे। तेनी साथे अमारा डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय शाळानो एक विद्यार्थी जे राज्य कक्षाए एनुं सिलेक्शन थयेलुं छे, मानव परमार, एनुं पण सन्मान थवानुं छे। तो माँ भारती शाळा गुजरात सरकारनुं जे स्वच्छता मापदंड माटेनी जे हरीफाई हती एमां पण उत्तीर्ण थई छे, તે શાળાનું પણ આ દિને અમે સન્માન કરવાના છે। મુખ્યત્વે 5 સપ્ટેમ્બર એટલે શિક્ષકોનો દિન, તો શિક્ષકોનું સારામાં સારી રીતે સન્માન થાય, એ શિક્ષકોને પોતાની લાગણી થાય, એ લોકો સમાજ માટે જે સેવા આપે છે એનું ઋણ અદા કરી શકે એ માટેનો આ દિવસ છે। એ દિવસ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરા ખૂબ જ અલગ રીતે અલગ ભાગથી ઉજવે છે અને એમાં શિક્ષકોનું સંપૂર્ણ રીતે સન્માન થાય એનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। આપણા દ્વિતીય રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનની જન્મ જયંતિ એટલે કે 5 સપ્ટેમ્બર જેને આપણે શિક્ષક દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ। ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન રાષ્ટ્રપતિ હોવા સાથે એક શિક્ષણવિદ પણ હતા અને એમણે શિક્ષણ કાર્ય ક્ષેત્રે ઘણું કાર્ય કરેલ છે। તેમની યાદમાં આપણે 5 સપ્ટેમ્બર એ શિક્ષક દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ। આજે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરા દ્વારા 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભવ્ય જે શિક્ષક દિનનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે એના અંતર્ગત આ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। વર્ષોની પરંપરા મુજબ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ આ વર્ષે આજવા રોડ સ્થિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય હોલ ખાતે સવારે 10 વાગ્યાથી આ શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરવાની છે। આ શિક્ષક દિન અંતર્ગત વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। જે કાર્યક્રમનું આયોજન છે હું મારા ઉપાધ્યક્ષ ડૉક્ટર હેમાંગ જોશીને જણાવીશ કે કાર્યક્રમની વિગત પત્રકારોને આપે।